आचार्य मनोहर सिंह ज्ञान महाराज की जय। सोली स्वर्ग तक की दिन सारे के सारे मन में विकल्प जैसे उत्पन्न होते हैं और जितनी उनकी सीमा है वहाँ तक आना जाना करते रहते हैं, किंतु ऐसे भी देव हैं जो ऐसा मृत दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, जो सर्व अथवा सोलह मालिक जो सोलह सर्व के देव हैं उनसे अचित मिले ऊपर होते हैं, ऊपर भी ऊपर ही उन्हें इस संसारिक कोई भी विषयों से मतलब नहीं, शांत बैठे रहते हैं। चाहे मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, कैम ऊपर भी मिथ्या दृष्टि, ग्रेविक में सारे सारे समय दृष्टि ही है, ऐसा नहीं है, मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। और मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व अवस्था में ही तपस्या ऐसे करके वो वहाँ पर भी रहते हैं, किंतु यहाँ के कोई लेन देन अब हवा भी उनको नहीं लगती, ऐसे शांत बैठे। उस शांत बैठने से उनको कोई आकुलता नहीं भी होती। आप लोगों को यहाँ पर कुछ लोग के निमित्त से यहाँ बिठाया गया है, नहीं समझे, आप लोग बैठे थोड़ी बिठाया गया है और आप बैठना भी नहीं चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था कर रखी है कोई भी गाड़ी यहाँ से जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। साधन बाइसिकल भी यहाँ नहीं आ सकती, यहाँ से जा नहीं सकते, एक भी नहीं जा सकता, एक भी नहीं आ सकता, रेल भी जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। रेल कब से प्रारंभ हुई आज तक रात दिन तीन तीन ड्यूटी बता करके काम चला रहे, आज तक वो गाड़ियाँ रुकी नहीं थी, रुक नहीं सकती, तो कोरोना उसको भी करोना आई रुक जाओ। तभी ये लोग शांति से बैठेंगे, अपने आप सुन रहे हैं, जहाँ पर बिल्कुल गंदा नाला बैठा था वो अभी साफ हो गया है, ये आप लोगों की करामत है। आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप स्वच्छ बहते गंगा जिसको बोलते, ये प्रदूषण कितने हो रहे थे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, गंगा बिल्कुल पवित्र बह रही बताते हैं, लेकिन इसमें पवित्रता कहाँ से आ गई, पवित्र तो थी लेकिन आप इतने प्रकार के उसमें कूड़ा कचरा बहाते थे, प्रतिदिन रात दिन बैठा था, उसके कारण उसका रूप ऐसा हो गया था। यदि आप लोग शांत बैठ जाएंगे तो भूल जाएंगे सब सबको आप, और अपने आप ही दीक्षा की मांग करने की कोई आवश्यकता हाँ। शांत बिल्कुल कोई भी व्यक्ति कुछ करेगा ही नहीं, अपने आप ही करना धरना आदि सब शांत। आत्मा का स्वभाव कुछ करना धरना है ही नहीं, ये कर रहे हैं तो हम भी करें, हम कर रहे हैं तो हम क्या छोड़े, हम तो छोटे थोड़ी हैं, हम तो आपसे भी बड़े। इस प्रकार जो है होड़ लगी हुई है, धीरे धीरे वृद्ध
वृद्धावस्था में जैसे कितने भी आप लोग उनके सामने खाओ पियो सब मालूम है तुम क्या खाते हो बहुत दिन से हमने सब देख लिया है बेटा जाओ क्योंकि ये सारा रंग जो है मोह के साथ है और मोह भी एक समय जाने के उपरांत अपने आप ही ठंडा हो जाता वृद्ध हो जाता। मोह यद्यपि वृद्ध नहीं होता है लेकिन वृद्धावस्था में भी उसको भी बुढ़ापा जैसा आ ही जाता है, बड़ा विचित्र सा लगता है। कर्मों का फल बड़ा अनेक प्रकार का मिलता रहता है, वृद्धावस्था में भी फल मिलता है लेकिन उसमें हाय तौबा बहुत कम रहती है। फिर भी कुछ लोगों की रहती है किंतु प्राय करके देखते हैं तो सुनते हैं विदेश में उन लोगों ने निकाला 45 के उपरांत जीने की इच्छा भी समाप्त हो रही बताते। हाँ जिजी विशा जिसको बोलते हैं, हाँ पहले 60 तक थी उसका भी वह दर जो अब नीचे आ गया है। लॉकडाउन जैसे धीरे धीरे वह भी आत्मसात होता जा रहा है। अभी कोई कहता है कि भैया अभी 2 सप्ताह और रखा, ठीक है अब वो 2 सप्ताह और कह रहा इसकी प्रतिक्रिया कोई विशेष उचित नहीं हुई क्योंकि बारात आई थी। अब बारात आई तो जाएगी तो सही, तो जाएगी तो जाते समय बहुत कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है उसमें, इसीलिए समझता हूँ मैं सरकार भी इस बारात को उठाना है तो कम से कम 1-2 हफ्ते लगेंगे। कहाँ कहाँ पर मजदूरी, कहाँ कहाँ पर अटके हुए भटके हुए कटके हुए उन सबको व्यवस्थित जो है सुनते हैं बहुत व्यवस्थित उनको पहुँचाया जा रहा है और सब लोग खुश से हैं और उनको बताया रात भर में सब पहुँच रहे हैं, व्यवस्थित पहुँच रहे हैं और ऐसे ही बारात की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। हाँ उसमें इतनी डिब्बे लगे हुए हैं और इतनी रफ्तार के साथ चलते बताते हैं किसी स्टेशन पर वो रुकती नहीं और वह जा रही है एक रात में और सब लोग व्यवस्थित जा रहे हैं। सब लोगों को लग रहा है कि क्या सरकार हमारी व्यवस्था कर रही है जाने की आने की, वो कोई किसी के लिए टिकट की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ जाओ ऐसा तो किसी को भी नहीं मिला होगा। मजदूरों को उनको सारे लाखों हैं वो सब आराम के साथ जा रहे हैं, ठसाठस भर कर के जाती थी नहीं ना, ऐसा कोई भी एक व्यक्ति ठसाठस भर रहे। हाँ एक सीट पर एक व्यक्ति बिल्कुल बढ़िया आराम के साथ मीटर बीच में बिल्कुल औषधोपचार के साथ सबको आराम के साथ भेज रहे। उनको लगा कि हमारे रात में आए थे लेकिन हमारी कोई किसी प्रकार की पूरे टिकट की कोई आवश्यकता नहीं, आपके हाथ में सब कुछ, जहाँ से उतरेंगे वहाँ से पहले से ही स्टेशन पर बस लगे हुए हैं, कोई आवश्यकता नहीं, बस सरकारी बस हो ही जाए। हाँ डबल मंजिला भी है, आराम के साथ जा रहे हैं। आप कहाँ के हैं बताओ, बस आपको वहाँ चलने लगा तो इस ढंग से सरकार भी जो है इसको बोलते हैं
शासन इसको बोलते हैं, ये सारे के सारे विश्व के देश सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये व्यवस्था भारत की है। अनुशासन मतलब यहाँ पर राग द्वेष इस ढंग से नहीं होते, इसमें भी स्पर्धा होती है, हम कुछ भी नहीं राग द्वेष करेंगे तो बैठ जाएंगे, ऐसा भी संभव है। ये व्यवस्था सब किसके माध्यम से हो रही, कोई ना कोई तो कर तो रहा होगा, गुपचुप अपने आप ही हो रहा बताते, लेकिन संकेत तो होंगे, मतलब संकेत के माध्यम से भी इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, ये संयम की महिमा है। हाँ, अब लोगों को मालूम पड़ने लगा कि भारत क्या संयम रखता है, क्या संस्कार रखता है और कैसा उपचार करता है, स्वयं उपचार को पाता है, ये सब देख करके ऐसा लगता है यह भारत तपोभूमि भी अवश्य थी, अभी भी विद्यमान है, ऐसा लगता है। इसलिए शांति के साथ रहोगे तो अपने आप ही मालूम पड़ा कि हमें शांति दो, हमें शांति दो कह करके या शांति बना रहे हाँ, शांति की अपने आप ही शांति की लहर आती है, मांगने से शांति नहीं मिलती है, मांगने से तो अशांति क्रांति होती है, क्रांति नहीं किंतु शांति के मार्च करो, ऐसा हमने सुना था, यहाँ पर मार्च भी होती है लेकिन वह भी शांति मार्च बोलते हैं, मतलब कुछ भूलो नहीं, हड़ताल करो तो ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, हाँ ऐसे हो तो अवश्य उसका भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा ये संभव है, ये भी सौभाग्य से ही मिलता है। हाँ बिल्कुल, देव लोगों को भी अचरज हो रहा, हमसे भी लोग आगे पड़ गए, अरे आप लोग गए नहीं तो गए हो, हाँ यही तो संस्कार है, नीचे जाते तो लड़ मिटते रहते हैं, ऊपर जाते तो शांत बैठ जाते हैं, ऐसे भी देव गए हैं वहाँ पर बैठे हैं और प्रतीक्षारत हैं कब हम वहाँ पर भोर भारत को पहुँचेंगे, और पुनः जो बीच में अटके हुए हैं लास्ट तक पहुँच जाए, मोक्ष जिसको बोलते हैं। ऐसे स्वर्ग से क्या मतलब है, हमें तो मोक्ष से जो मोह का त्याग करेगा वही मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा संतों का कहना है। लगा नहीं कि दो महीने के यह अनुशासन यहाँ पर चल सकता है, इंदौर ने ये भी दिखा दिया। सब जगह भारतवर्ष में नहीं, विदेश में भी हो, सब जगह हो गया, लेकिन अन्य देशों की अपेक्षा से यहाँ पर जो कुछ भी दिन व्यतीत हो रहे हैं अनुशासन के साथ, उन लोगों के लिए पाठ हुआ मिल रहा है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए और ऐसे ही कहना चाहिए ताकि ये लोग इस संस्कार को भी समझ सके। ये संस्कार विधि या अन्यत्र नहीं मिलती है, गर्भ से लेकर के यह दाह संस्कार के बाद तक श्राद्ध श्रद्धान का विषय भी होता है, वहाँ तक यहाँ पर चलता रहता है, व्यवस्थित चलता रहता है, अन्यत्र इस प्रकार की व्यवस्थित कोई संस्कार विधि चलती नहीं, यहाँ करके यहाँ पर प्रत्येक विधि संस्कारों के साथ समय पर ही संपन्न की जाती है, यह लिखी हुई ग्रंथों में पुराण ग्रंथों में लिखी हुई है, उसके अनुसार यहाँ का कार्यक्रम अभी भी होता है, शादी शुदा होती है तो भी वह मुहूर्त के अनुसार, वहाँ पर कोई मुहूर्त है ना तीर्थ है, यहाँ पर
अंधा भी लगाते हैं तो मुहूर्त के अनुसार ही कंधा लगाते हैं, आग भी लेते हैं तो भी मुहूर्त के अनुसार मंत्र के अनुसार ही यहाँ पर सब दिया जाता है। तो संतों की महिमाएँ ये सब पुराण ग्रंथों में लिखी हुई है। अच्छा लगता है जो पुराने महापुरुष हुए हैं उन लोगों ने इन लेखों के माध्यम से हम लोगों की आंखें खोल रखी है। ये हमारा सौभाग्य समझ लो कि हम लोगों के लिए उनके द्वारा लिखित जो लेख हैं, ग्रंथ हैं, वाक्य हैं, छंद हैं और स्तुतियाँ हैं, इस देख करके गदगद जीवन हो जाता है कि हम इसके सदुपयोग कुछ तो कर चुके हैं। आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं हमें ऐसी बुद्धि मिले ताकि हम इस जीवन के एक एक क्षण को संस्कारों के साथ ही आत्मा के ऊपर संस्कार डालते हुए यहाँ से इस पर्याय को सार्थक बना सके। अहिंसा पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।